Hey kids, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari, and we are going to do Environmental Studies chapter Left Right Keys worksheet. Okay, so we have studied in this chapter what we have studied. We studied about the different different types of directions: left direction, right direction, up, down. फ्रंट एंड बिहाइंड एंड वी आल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज अ मैप एंड वाई सिम्बल्स इन अ मैप ओके सिम्बल्स क्या करते हैं मैप को रीडेबल बनाते हैं रीड करने में हमको इजी बनाते हैं हम आराम से मैप को पढ़ सकते हैं बिकॉज बिना सिम्बल्स के कैन यू रीड अ मैप नो यू कैन नॉट रीड अ मैप एंड नाउ द टाइम हैज कम जब हमको करना है इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स ताकि तभी तो समझ में आएगा कि ये चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आया भी है कि नहीं आया है सो चिल्ड्रन लेट्स टू दर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर लेफ्ट और राइट ओके नाउ वॉट इज़ अ कम्पास ओके कम्पास क्या होता है कभी सुना है आपने कम्पास के बारे में सो कम एंड अंडरस्टैंड अ कम्पास इज अ टूल फॉर फाइंडिंग डिरेक्शंस जो कम्पास होता है ना वो टूल होता है ये पता करने के लिए कि कौन सा डिरेक्शन कहाँ पर दिखा रहा है एंड वी लर्न अबाउट दी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और अगर आपको कहीं पर यह पता करना है कि वेयर इज नॉर्थ वेर इज ईस्ट वेर इज वेस्ट वेर इज साउथ तो वॉट डू नीड यू नीड ए कम्पास ओके और कम्पास की जहां सुई आ जाती है आपको समझ में आ जाता है की नॉर्थ का है साउथ का है ईस्ट का है वेस्ट का है ओके okay? So, a compass is a tool for finding directions. For finding what? For finding directions, children. Okay, so always remember this. A compass is a tool for finding the directions. Then, वॉट इज अ लैंडमार्क लैंडमार्क क्या होता है कभी कुछ ऑर्डर करो तो लैंडमार्क देना पड़ता है ना सो लैंडमार्क क्या होता है एन ऑब्जेक्ट देट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ अ लैंड इज अ लैंडमार्क एक कोई चीज एक कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है आपके बाउंड्री को मार्क करती है उसको हम कहते हैं लैंडमार्क एंड ऑब्जेक्ट दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ अ लैंड लैंड की बाउंड्री को मार्क करती है दैट इज नोन एज अ लैंडमार्क चिल्ड्रन ड न्यूज ओके सो वी लर्न दैट न्यूज कैसे बना था कैसे ये वर्ल्ड डिस्कवर हुआ है कैसे हम न्यूज जानते तो हैं बट ये न्यूज बना कैसे था सो चिल्ड्रन न्यूज का पूरा फुलफॉर्म फुल क्या होता है नॉर्थ साउथ East and West, and that is how your newsletter has made. Okay. In news word ka bana hai, in words ke baad bana hai. n say north, e say east, w say west, and s say south. And that's how you have got this word that is news. Okay. Now, next question. Explain these words. Now you have to explain what. एटलेस और मैप एटलेस और मैप क्या होता है सो एटलेस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन बुक्स ऑल राइट एंड मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सर्फेसारे हों ओके अगर कलेक्शन ऑफ मैप्स हो बहुत सारे ग्रुप में मैप्स हो तो क्या बन जाता है एटलिस ओके okay? और मैप क्या होता है मैप होता है कहीं का कोई एरिया बनाना कोई जगह बनानी ठीक है अर्थ के किसी भी सरफेस का पार्ट को अगर हम ड्रॉ करते हैं एटल सो दस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप इन बुक्स ओके नाउ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट है ना जैसे कि आपने कभी रेलवे की एटलेस देखी है जहां पे सारी जगहों का पता चल जाता है ट्रेन का कहाँ से ट्रेन कहाँ से जाएगी तो वहां पे बहुत सारे मैप्स होते हैं और जब इकट्ठा मैप्स बन जाती है तो क्या बन जाता है एटलेस, और अगर एक सिंगल पिक्चर हो मैप की एक सिंगल ड्राइंग हो किसी जगह की तो दैट इज नोन एज अ मैप ओके चिल्ड्रेन सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी फॉलो डैश टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम क्या फॉलो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या फॉलो करते हैं पीपल सल्यूशन या डायरेक्शंस हम दूसरों को देख के बस चल देते हैं या हम कोई सल्यूशन निकालते हैं और या हम डायरेक्शन फॉलो करते हैं सो द राइट आंसर इज डायरेक्शंस वी फॉलो डायरेक्शंस

साउथ ईस्ट और वेस्ट तो क्या है क्वेश्चन ईस्ट नॉर्थ की किस तरफ है सो द आंसर इज राइट साइड ओके चिल्ड्रन, राइट साइड सो द आंसर इज राइट ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ इज डैश नॉर्थ साउथ नॉर्थ के किधर है राइट पे है लेफ्ट पे है या ऑपोजिट है तो नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ उसके क्या है ऑपोजिट है चिल्ड्रन सामने है है ना ये दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तो क्या है नॉर्थ साउथ के बिल्कुल आमने सामने है ऑपोजिट है एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज योर ऑपोजिट ओके

द सन राइजेज इन द कहा सन राइज होता है चिल्ड्रन जस्ट नाउ आई टोल्ड यू सन राइजेज इन द ईस्ट ओके सन राइजेज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट ओके तो यहाँ पे क्या आएगा ईस्ट आएगा द डेयर आर डैश आवर्स इन अ डे पूरे दिन में चिल्ड्रन कितने घंटे होते हैं सो द आंसर इज देर आर ट्वेंटी आवर्स इन अ डे कितने होते डे देन द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश टू डैश डरेक्शन अर्थ जो है जो हमारा क्या है प्लान है जिसमें हम रहते हैं वो रोटेट किस से किस साइड पर करता है कुछ आपने सोचा है कभी नहीं सोचा है तो जान जाओ इट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो कैसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट एंड दैट इज वाई क्या लिखेंगे आप वेस्ट टू ईस्ट ओके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज रिमेंबर then dash is the rough sketch of a place dash is the rough sketch of a place अगर आपको कहीं जाना है और आपको किसी ने ये रास्ता बता दिया यहाँ जाना यहाँ से टर्न लेना यहाँ पे तेरे को एक हॉस्पिटल दिखेगा देन यू विल गो एंड देन यू विल फाइंड अ पोस्ट ऑफिस हियर तो ये रफ स्केच क्या चीज़ का है बताओ बताओ दिमाग की बत्ती जलाओ to samajh mein aega, map okay so map is the rough sketch of a place okay map is the rough sketch of a place okay now true false there are four main directions is it true four main directions so the answer is children true north south east and west the direction which is opposite to north is west. North ki opposite west hai? Hai kya? Nahi, kyunki north ki opposite kya hai? South hai and that is why this statement is false. Then, the sun sets in the west. Sunset, west mein hota hai? Ki rise, aapka west mein hota hai? Aap batao. So, yes children, the sun sets in the west. So, statement is true and that is why it is true. Then we have total 20 fingers. Is it 20 or 10? Batao, yes, this statement is wrong because we have 10 fingers in our hands, and that is why the statement is false here children. Okay. So, yetha. आपका ट्रू फॉल्स नाउ मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ द फॉलोइंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन अ कॉलम यू हैव स्टेट्स गिवन एंड इन द कॉलम बी यू हैव गिवन देअर डिरेक्शन दे हैव गिवन योर पार्ट के कौन से एरिया में है इंडिया के वो ओके सो द फर्स्ट इज तमिलनाडु तमिलनाडु कहाँ है नॉर्दर्न साउथ ऑफ इंडिया सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया या वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया सो टेल चिल्ड्रन तमिलनाडु इज इन दी सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया साउथ में है देन जम्मू कश्मीर कहाँ है नॉर्थ में है कि साउथ में है कि वेस्ट में है कि ईस्ट में है सो चिल्ड्रन जम्मू कश्मीर इज इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया में में है इंडिया के तो गुजरात इज इन दस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन एंड आसाम आसाम इज नोन एज दिन स्टेट ऑफ इंडिया एंड दैट इज वाई वेर विल इट मैच ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया ओके तो आ गया क्लियरली अच्छे समझ में डिरेक्शन कैसे डिरेक्शन बताए जाते हैं कैसे क्लियर किए जाते हैं और इस तरह से आप अपने डिरेक्शन बता सकते हो डिरेक्शन बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रेन दिस इज देंटर पॉइंट ऊपर जाएगा आपका नॉर्थ नीचे होगा साउथ सनराइज इन दिन द वेस्ट और ये आपका बन जाता है पूरा डिरेक्शन ओके okay? तो इस तरह से आप डिरेक्शन बना सकते हो अगर आप सेंटर पर खड़े रहोगे और आपके हैंड ऐसे रेस करोगे और आप ऊपर देखोगे तो यूल कम टू नो हेटके आप नॉर्थ फीट टूवर्ड साउथ इधर आपका वेस्ट एंड दिस साइड योर ईस्ट ओके दिस इज हाउ यू कैन टेल एनीबडी द डिरेक्शंस ओके सो ये था आपका इस चैप्टर की वर्कशीट आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड यूल्टर अलॉट बिकॉज दिस चैप्टर वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ओके नाउ वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी गिवन दैट अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के और किसी एक पर्टिकुलर टीचर का वीडियो देखना होता है किसी क्लास का तो क्या करना है गूगल क्रोम पर जाना है और लिखना है डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में सारी क्लासेस दिए रहेंगी नाउ इफ यू आर इन क्लास थ्री आप क्या दबाएंगे क्लास थ्री बटन दबाएंगे एंड देन आपके सारे टीचर्स विद सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे ओके okay, अब आपको जिस भी टीचर से जो पढ़ना है उसका वॉच नाउ बटन दबाओ सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी ईवीएस क्लिक वॉच नाउ जैसे ही आप ना बटन दबाओगे यू विल हैव योर चैप्टर वाइज वीडियोस हियर, ओके एंड देन आप सारे चैप्टर्स की सिलेबस समरी वर्कशीट सब आप आराम से देख सकते हो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस ओके सो दिस वन स्टॉप इतने सारे वीडियोस में एक वीडियो देखने का ओके सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे एक नए टॉपिक की शुरुआत तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडर टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियो थैंक यू